अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में सर्दियों की जानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होती है हर किसी के घर में ना बकरे के पाए बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अक्सर ना एक डर बना रहता है कि इनमें स्मेल ना रह जाए, टेस्टी कैसे बनेंगे, बढ़िया से गलेंगे कैसे, वो जो शोरबे के अंदर एक लुआब होता है ना वो किस तरीके से लाएँ कि खाते खाते बस उंगलियाँ चाटते रहें और बस सबको ना पसंद आएँ कि हर कोई आपका कायल हो जाए। तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 बकरे के पाए लिए थे जिनको बढ़िया से पहले वॉश कर लिया है, जिसके अंदर बाल वगैरह भी नहीं है। तो बालों को किस तरीके से हटाया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी एक बढ़िया से कलर के लिए, और 3 बेलीव ऐड कर दी हैं, और यहाँ पर 3-4 लौंग हैं, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची और 3-4 मैंने सफ़ेद इलायची ऐड की हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैं सौंफ ऐड करूँगी और हाफ यहाँ पर प्याज ली है और थोड़ा सा अदरक ऐड करूँगी और यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, तो पानी सिर्फ इतना ऐड करना होगा जिससे कि जो नीचे पाए हैं हमारे उसके ऊपर तक पानी आना चाहिए और पाए बढ़िया से डूब जाएँ। तो यहाँ पर एक मिक्स देने के बाद में अब इसको हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 सीटी लगानी होगी हाई फ्लेम पर, उसके बाद ना गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और 25 से 30 मिनट इसी के अंदर इसको उबलने दीजिए। बहुत ही बढ़िया से हमारे पाए गल जाते हैं। अब इसी बीच में मैं बाकी की भी तैयारी कर लेती हूँ, जिसमें मैंने 100 ग्राम दही ली है। तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच नॉर्मल मिर्चें ऐड करूँगी जो कि हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी। अब इस मसाले को हमें मिला लेना है और इसको एक साइड रख देना है। अब यहाँ पर मैंने एक बेसन ले लिया है, तो यहाँ पर मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी बर्तन में इनको बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ऐड किया है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से जो भी तेल खाते हो ना वो ऐड कर दीजिएगा। और इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा कलर आ गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और बचे हुए ऑयल के अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें ज़ीरा, हरी इलायची 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी लौंग है और थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्चें। तो बस हल्का सा भूनेंगे इसको और उसके बाद यहाँ पर 2 प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर देना है। तो पहले इस प्याज को भून लेना है जिससे इसकी स्मेल निकल जाएगी और इसका मीठापन भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो पहले इस सारी चीज़ों को भून लेंगे कम से कम 5 मिनट, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना दही वाला मसाला ऐड कर देना है। और इसे ऐड करने के बाद इसको भी मतलब बढ़िया से भून लेना है, मसाले को लो फ्लेम कर दीजिएगा। हाई फ्लेम पर मसाला कभी भी नहीं भूनना चाहिए, सिर्फ लो फ्लेम करके इसको ढक के कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें इतनी ही देर में हमारे पाए भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और जो इसका स्टॉक है ना इसको भी अलग कर लेंगे। तो मसाला जैसे ही भुन जाएगा उसके बाद इसमें मैंने पाए ऐड कर दिए हैं और फिर इसको एक मिक्स दे देते हैं। तो इस तरीके से पाए बहुत ही लाजवाब बनते हैं, सच में आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मसाले वही हैं, ट्रिक भी वही है, बस कुछ बनाने का तरीका हल्का सा अलग है। अब जो हमारा स्टॉक था ना मटन का, उसे हमें छान कर ऐड करना है। और फिर यहाँ पर अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले ना आप यहाँ पर नमक भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मसाले में हमने नमक नहीं डाला था, सिर्फ जब हमने पाए को बॉईल किया था उसी टाइम नमक ऐड किया था। तो इस पॉइंट पर आपको नमक को ज़रूर चेक करना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम ढेर सारा हरा धनिया, साथ में हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो कि मोटी वाली आती हैं, तीखी वाली ऐड मत करिए, और जूलियन कट अदरक, और इसी के साथ जो हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था ना स्टार्टिंग में, अब इस पॉइंट पर वो प्याज ऐड कर देनी है। ओहो क्या लाजवाब खुशबू, इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही लाजवाब हमारे पाए बनते हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से ये वाले पाए बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली में फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा मेरी रेसिपी, और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा।